लूर चौक ट्रैफिक इंस्पेक्टर असीबुल्ला और मीर चौक ट्रैफिक एसआई लक्ष्मण और लायन आर्डर संतोष नगर डिवीजन के पुलिस ऑफिसर्स आईएस साधन पे एक हफ्ते से व्हीकल चेकिंग कर रहे हैं। आप सबको मालूम है जीओ नंबर 87 के मुताबिक तेलंगाना हुकूमत ने तेलंगाना और हैदराबाद में ये कोरोना वायरस की वजह से केसेस जो बढ़ रहे हैं उसके लिए कर्फ्यू नाफिज किया रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक। जो भी एसेंशियल सर्विसेज हैं जैसा कि हॉस्पिटल्स, नर्सेस, डॉक्टर्स, डिलीवरी व्हीकल्स और जो लोग भी एयरपोर्ट जा रहे हैं, बस स्टॉप्स जा रहे हैं या रेलवे स्टेशन जा रहे हैं या मेडिसिन लेने के लिए मेडिकल शॉप जा रहे हैं, उनको जाने की इजाज़त है। अगर उन लोगों को कुछ भी रात में ज़रूरत पुलिस वालों से अगर हेल्प चाहिए तो हम उनके हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हैं। और जो भी लोग फजूल तरीके से तफरी की नीयत से और चबूतरे पे बैठने की नीयत से या दोस्तों के साथ रात में निकलने की कोशिश करेंगे कर्फ्यू में, तो उन लोगों को सेक्शन 51-60 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और मोटर व्हीकल एक्ट 179 क्लास 1 के मुताबिक उन पे वायलेशन का केस नाफिज किया जाएगा और वायलेशन का केस 1,000 रुपये है। और हम तमाम पब्लिक से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बेफजूल कोई काम के बगैर रातों में कर्फ्यू के टाइमिंग्स में मत निकलिए, अपने घरों में महफूज रहिए क्योंकि कोरोना पीक स्टेज पे है। इसलिए अपने आप को घर में रहना ही महफूज एक तरीका है। अगर जो भी इमरजेंसी की वजह से बाहर निकल रहे हैं उनको ज़रूरी है कि वो मास्क पहने और डिस्टेंस मेंटेन करें और हमेशा सैनिटाइज़र से अपने हाथों को धोएं, क्योंकि जरासीम अपने हाथों पे ना रहें, जरासीम की वजह से कोरोना फैल रहा है। इसलिए अपने आप को महफूज रखते हुए और दूसरे लोगों की भी जानों को महफूज रखना हर एक की जिम्मेदारी है कि वो अगर ज़रूरी है तो घर से निकले वरना घर से मत निकले। और सुबह सवेरे कुछ नौजवान गाड़ियों पे, कारों पे चादर घाट, मलगड़ा चौरास्ता, मलकपेट, चंचलगुड़ा, फजर के बाद, सहरी के बाद घरों से निकल रहे हैं। और ये लास्ट वीक एक इंसिडेंट नोटिस में आया, पेपरों में भी और मीडिया में भी उसको वायरल किया गया। हम उन लोगों पे
इंडियन पेनल कोड और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और हर सुबह 5 से 8 बजे तक चंचलगुड़े पे और नलगुंडा चौरास्ते पे और चादर घाट पे लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक और स्पेशल ब्रांच पुलिस चेकिंग कर रही है। मैं तमाम वालिदैन से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने बच्चों को घरों से मत निकलने दीजिए, ऐसे हरकतें मत करने दीजिए जिससे समाज में और दूसरे लोगों को भी तकलीफ होती है। अगर वो स्टंट की वजह से गिर गया और दूसरे व्हीकलों को लग गया तो इंडियन पेनल कोड के हिसाब से सख्त तरीन सेक्शंस पे केस बुक किया जाएगा। मैं तमाम वालिदैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने बच्चों को एक अखलाक सिखाएं और सुबह सवेरे नमाज के बाद सहरी के बाद घरों में इबादत करें और सब लोग कोरोना की खातिमे की दुआ करें। कोरोना अपने हिंदुस्तान से और पूरी दुनिया से इसका खातिमा हो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलेगा सर ऐसे अभी जैसा ही कल लॉकडाउन खत्म होने के बाद वो जो है गवर्नमेंट के हाथ में और के कब तक यहाँ पे अब तक 10 चलाना तक हो गए वायलेशन हाँ कर्फ्यू वायलेशन और ये क्या टाइमिंग तक पूरा मॉर्निंग तक वैसे ही रहेगा 9 से 5 बजे तक रहता पूरा बंद। हाँ 9 से 5 बजे तक जो भी लोग जा रहे हैं वो अपने ज़रूरी कामों पे जा रहे हैं, थोड़े डिलीवरी फूड डिलीवरी के लिए जा रहे हैं, थोड़े मेडिकल शॉप के लिए जा रहे हैं, उन लोगों को छूट दी जाती है कि वो जा सकते।